Yesterday we studied the fifth chapter, the ailing planet, the green movement's role. Now open your book at the page number 45. You may see on the book page number 45. Let's discuss. तो ये जो चार हमने चीजें बताई, जिसमें आपका फिशरी है, ग्रासलैंड है, क्रॉपलैंड है और फॉरेस्ट को इंक्लूड किया गया, और ये ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के फॉर्म करते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को फॉर्म करते हैं, इनके बिना कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पॉसिबल नहीं है. इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, दीज फोर सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डेरिव्ड सिंथेटिक्स. तो जहां तक बात होती है कि ये चार चीजें हैं, ना सिर्फ हमारा फूड सप्लाई करते हैं, खाने की सप्लाई भी इन्हीं से होती है, बल्कि इसके अलावा ये जो फोर सिस्टम है, जो चार हमने बायोलॉजिकल सिस्टम बताए, वो प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री. सभी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल, जिसे हम कच्चा माल बोलते हैं, एसेंशियल मटेरियल बोलते हैं टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू, जिसकी प्रोसेसिंग होती है, वो भी वर्चुअली प्रोवाइड करता है. इन मूल रूप से वर्चुअली वी कैन इमेजिन कि हम उन चीज़ों की पूर्ति करता है, इनकी सप्लाई करता है, नॉट एक्चुअली बट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट मिनरल्स. एक्सेप्ट यूज किया तो के अतिरिक्त या को छोड़ करके, मिनरल्स और जो पेट्रोलियम डेरिव्ड सिंथेटिक्स हैं, मिनरल्स जो कि इनसाइड द अर्थ है, जिसको हमें डिग आउट करके निकालना पड़ता है, उसे छोड़ करके, और जो पेट्रोलियम डेरिव्ड सिंथेटिक्स हैं, जो पेट्रोलियम डेरिव्ड सिंथेटिक्स, कोई भी चीज़ जो पेट्रोलियम से डिराइव की जाती है, चाहे वो डीजल हो, चाहे केरोसिन हो या वैक्स हो, ये सभी सिंथेटिक आस्पेक्ट्स हैं, कुछ एक चीज़ों का मिक्स करके बनाया हुआ, अलॉय करके बनाया हुआ सिंथेटिक होता है, एक आर्टिफिशियल गुड्स होते हैं जो पेट्रोलियम से ही, इनका मेन सोर्स पेट्रोलियम ही है. तो इन दोनों को छोड़कर, मिनरल्स को, पेट्रोलियम को छोड़कर के, बाकी सभी चीज़ें हमें इन फोर सिस्टम से ही मिल जाती है. इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल. तो एक बहुत वर्ल्ड के बहुत बड़े एरिया के अंदर ह्यूमन क्लेम्स, ह्यूमन यहाँ पे डिमांड करते हैं, क्लेम करते हैं, यहाँ पे क्लेम वर्ड यूज किया है, तो डिमांड की हम बात कर रहे हैं. ऑन दीज सिस्टम, इन चार सिस्टम पे हम डिमांड डिपेंड करते हैं, इनकी डिमांड करते हैं, और जहाँ डिमांड ज़्यादा है तो वो एरिया रीचिंग एन अनसस्टेनेबल एरिया. तो जो लेवल होता है वहीं एरिया में, वो अनसस्टेनेबल होता है, दैट इज अनेबल टू सप्लाई द नीड्स ऑफ द फ्यूचर. भविष्य की जो आवश्यकता है उनको पूरी नहीं कर पाएंगे, जिस तरह से इनका दोहन किया जा रहा है, कंज्यूम इनको किया जा रहा है. अनसस्टेनेबल लेवल एक ऐसा पॉइंट होता है, पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा बिंदु जहां से इनकी जो प्रोडक्टिविटी है इज बीइंग इम्पेयर्ड, प्रोडक्टिविटी उनकी इम्पेयर होने स्टार्ट हो जाती है, वीकर्ड, इम्पेयर होना वीकर्ड, कमजोर हो जाना, उनकी जो एबिलिटी है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, अब वो आगे सस्टेन नहीं कर पाते. व्हेन दिस हैपेंस, और जब ऐसा होता है, फिशरीज कोलैप्स, तो इसके जो रिजल्ट्स होंगे, कंसिक्वेंस होंगे, वो काफ़ी कैटास्ट्रॉफिक होते हैं, डेंजरस होते हैं, जैसे कि फिशरीज कोलैप्स हो जाएगी, यानी पूरी तरह से ये कोलैप्स होनी है. एक दिन आएगा कि फिशरीज बिल्कुल एंड हो जाएंगी, देर विल बी नो फिश रिमेन, और इफ दे रिमेन, देर एबिलिटी इज नॉट टू मीट द नीड्स ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर की नीड को मीट नहीं कर पाएंगी. फॉरेस्ट डिसअपीयर, और अगर हम इसी तरह से क्लेम करते रहे, कंज्यूम करते रहे फॉरेस्ट को, तो एक दिन फॉरेस्ट डिसअपीयर हो जाएगा, वैनिश, गायब हो जाएगा. वी विल नॉट बी एबल टू सी फॉरेस्ट, हम फॉरेस्ट को देख भी नहीं पाएंगे,
पेड़ों की बहुत अधिक कमी हो जाएगी। ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड, और जो ग्रासलैंड है, जो हमारे चारागाह है, जो एनिमल्स के लिए खाना बदोश एनिमल्स की बात करें, जिप्सी जो एनिमल्स होते हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था इन ग्रासलैंड से ही होती है। और ये ग्रासलैंड अब कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू बैरन वेस्टलैंड, कन्वर्ट हो गए, चेंज हो रहे हैं धीरे से इनटू बैरन अनफर्टाइल वेस्टलैंड, बेकार की भूमि जहाँ पे कुछ भी प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह की उनकी कंडीशन चेंज हो रही है। अगर ग्रासलैंड सस्टेन नहीं करेंगे तो हमारा जो वाइल्ड लाइफ है वो भी सस्टेन नहीं कर पाएगी, वन्य जीवन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड क्रॉप लैंड डिटीरियोरेट, और जो क्रॉप लैंड है जो काफ़ी एरेबल फर्टाइल लैंड होता है, उपजाऊ भूमि होती है, उसकी कंडीशन भी आप कह रहे हैं कि डिटीरियोरेट, फॉल इन द क्वालिटी, क्वालिटी फॉल हो रही है, उनमें बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो लैकिंग में चल रहे हैं, कम कम हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, और उनकी फर्टिलिटी इतनी अच्छी अब नहीं रह गई है। इन ए प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरीडे, कि वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड का मोस्ट पार्ट सी एनिमल फिश पे ही डिपेंड करता है, इतना सफिशियंट ग्रेन नहीं है पॉसिबल कुछ एक कंट्रीज को छोड़ करके। तो वर्ल्ड प्रोटीन के लिए, रिच प्रोटीन के लिए कॉन्शियस है, दे नो द यूटिलिटी ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी, एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, तो ये वर्ल्ड है प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड है, प्रोटीन के लिए भूख इसमें है, एपिटाइट है। ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरीडे, तो इस हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए ओवर फिशिंग की जाती है, और इट्स क्वाइट कॉमन एवरीडे, और ये बिल्कुल एक साधारण सी बात हो गई है, बहुत कॉमन सी बात हो गई है। इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग, जो पुअर कंट्रीज हैं, गरीब देश हैं, लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड, तो वहां पे जो लोकल फॉरेस्ट हैं वो डेसिमेट हो रहे हैं, ऑलमोस्ट एंड हो रहे हैं, खत्म होने की कगार पे, एट द वर्ज या ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग, ताकि वो प्रोक्योर कर सकें, गेट कर सकें, प्राप्त कर सकें, जिसे गेट फायरवुड फॉर कुकिंग, कुकिंग के लिए लकड़ियों का इंतजाम हो सके, इसलिए जंगलों को डेसिमेट किया जा रहा है। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव दैट वट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन वट गोज इनसाइड इट, तो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है कि कुछ एक जगह पे तो फायरवुड इतनी कॉस्टली हो गई है, इतनी एक्सपेंसिव हो गई, इतनी महंगी हो गई है, कि वट गोज अंडर द पॉट, कि जो भी चीज़ हम पका रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं अंडर द पॉट, पॉट में डाल करके, नाउ कॉस्ट मोर देन वट गोज इनसाइड इट, सॉरी फिर से इसको, वट गोज अंडर द पॉट, पॉट में जो भी मटेरियल है उसको पकाने के लिए जो फायरवुड यूज किया जाता है उसके लिए अंडर द पॉट कहा गया है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो गई है, किससे, वट गोज इनसाइड इट, जो इस पॉट के अंदर, बर्तन के अंदर खाना पकाया जा रहा है वो सस्ता है, और फायरवुड जो पकाने के लिए यूज़ की जा रही है अंडर द पॉट वो कॉस्टलियर है, महंगी है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर मेयर्स द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, जो कटिबंधीय वन है, जो ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं उन्हें ट्रॉपिकल कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय ये ट्रॉपिकल एरिया है, तो यहाँ पे ही रिच फॉरेस्ट मिलेंगे ड्यू टू हीट एंड मॉइस्चर और रेनिंग। तो इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर मेयर्स, मेयर्स कहते हैं कि जो फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल वो है पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन, डेवलपमेंट का पावर हाउस है, इसी से एवोल्यूशन पॉसिबल है। सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन
एज रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। और अगर इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हुआ, विनाश हुआ, ये डिस्ट्रॉय हो गए, तो सेवरल स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज जो है, प्रजातियां जो हैं एनिमल्स की या हम कहें इंसेक्ट्स की, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, लॉस्ट हो जाएंगी, वैनिश हो जाएंगी, खत्म हो सकती हैं, क्योंकि ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन है। इट हैज बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रिसीड मैनकाइंड, डेजर्ट फॉलो। और ये सही कहा गया है कि फॉरेस्ट प्रिसीड मैनकाइंड, फॉरेस्ट प्रिसीड मैनकाइंड, डेजर्ट फॉलो। तो ह्यूमन बीइंग जहां से भी गुजरता है, जिस भी फॉरेस्ट से गुजरता है, और गुजरने के बाद गुजरने के बाद डेजर्ट ही रह जाता है वो। ये ह्यूमन की टेंडेंसी है, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए वो किसी भी लेवल तक जाता है और कंज्यूम करता है। तो सही कहा, फॉरेस्ट प्रिसीड मैनकाइंड, डेजर्ट फॉलो। आगे फॉरेस्ट है मनुष्य के और मनुष्य पीछे डेजर्ट रह जाता है। द वर्ल्ड्स एंशियंट पैट्रिमनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 million acres ए ईयर। जो हमारी वर्ल्ड की एंशियंट पैट्रिमनी है, दैट वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम आवर फादर ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की जो पैट्रिमनी है, जो बपोती हम कहते हैं, जो हमें अपने पिता से मिली होती है, इज नाउ इरोडिंग, और अब वो इरोड कर रही है, रिड्यूस कर रही है, कम हो रही है, एट द रेट ऑफ 40 to 50 million acres, 40 to 50 million acres ए ईयर। हर साल 40 से 50 मिलियन, मिलियन इज ए सम ऑफ 10 lakhs। एंड द ग्रोविंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग बर्निंग डिप्रीव द सॉइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर। और जो ग्रोविंग, बढ़ता हुआ यूज है डंग का, एनिमल वेस्ट जो डंग होता है, फॉर बर्निंग, और इसको हम बर्निंग के लिए, जलाने के लिए यूज करते हैं, तो सॉइल का एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर होता है ये डंग, और सॉइल उससे डिप्रीव रह जाती है, वंचित रह जाती है, उसे अवेल नहीं कर पाती, उसका यूज नहीं हो पाता, तो एक नेचुरल फर्टिलाइजर खराब हो जाता है। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट दैट ए 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड। और वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है, एक अनुमान है, कि 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड टू कॉप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000 की एस्टिमेशन है कि हमें 5-fold इंक्रीज चाहिए, 5-fold, 5 times इंक्रीजमेंट, इंक्रीज चाहिए रेट में, अगर हमें जो एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड है, ईंधन की डिमांड है, फ्यूल के लिए वुड की डिमांड है, उसे हम कोप कर सके, उसको हम फेस कर सकें, यहाँ पे उसको हम कंप्रोमाइज कर पाए। ये 2000 का एस्टिमेट था। जेम्स पेट, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट, सेड द अदर डे, किसी दिन कहते हैं, वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकर ए सेकेंड, कि हम कह रहे हैं कि हम 1 second में 1 acre लॉस कर रहे हैं, बट इट इज मच क्लोजर टू एन एकर एंड ए हाफ, लेकिन ये 1.5 crore टू ए सेकेंड के नज़दीक है, बिल्कुल यानी रेट ग्रेटर है। आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट स्टेट शैल इंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। तो आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें, संविधान के एक अनुच्छेद की बात करें, तो ये प्रोवाइड किया गया वहाँ पे, ये बात दी गई है वहाँ पे, जो स्टेट है, जो स्टेट मीन्स यहाँ पे कंट्री हम ले लेंगे, वो इंडेवर करेगा, बेस्ट एफर्ट्स पुट करेगा, प्रयास करेगा टू प्रोटेक्ट, सेव करने के लिए, एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, और इम्प्रूव करेगा एनवायरनमेंट को, एंड टू सेफ गार्ड, और प्रिजर्व करेगा द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री,
और कंट्री की वाइल्ड लाइफ को, वन्य जीवन को, जो जीव वाइल्ड में हम कहेंगे फॉरेस्ट में रहते हैं उन्हें हम वाइल्ड लाइफ कह देते हैं, उन्हें सेफ गार्ड करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। बट वट कॉज एंडलेस एंग्विश, लेकिन एंग्विश इट्स ए फीलिंग ऑफ पेन, नॉट विद फिजिकल इन्फेक्शंस और इन्फ्लिक्शन ऑफ इंजरी। फिजिकल इन्फेक्शन या इन्फ्लिक्शन ऑफ इंजरी की बात नहीं कर रहे हम लोग, ये एक मेंटल पेन है, मानसिक तनाव और दुख है। इज द फैक्ट दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर इन्फोर्स इन इंडिया, कि लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर इन्फोर्स। एक तो लॉज को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता, यहाँ पे फोर्सफुली उसको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ता है, और ना ही ये इन्फोर्स भी सही नहीं हो पाता, इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाता। होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन 100% उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, उसके रिस्पेक्ट नहीं की जाती। फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड द बाउंडेड लेबर शैल बी अबॉलिश्ड। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि कास्टिज्म, जातिवादी, जातिवाद हम कहते हैं इसे, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, इट्स ए काइंड ऑफ इलनेस ऑफ द अपर क्लास टूवर्ड्स द लोअर क्लास, दैट दे शुड नॉट टच दैम, क्यों अपर क्लास लोग निम्न, जो निम्न क्लास है उसे छुए ना, अदरवाइज दे विल बी पॉल्यूटेड, वरना वो प्रदूषित हो जाएंगे, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस तरह की फीलिंग है। और बॉन्डेड लेबर की हम बात कर रहे हैं, बंधुआ मजदूर, हम किसी को बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते, वेजेस पे हम रखते हैं लेकिन उसको बॉन्डेड लेबर नहीं करवाते। तो दीज शुड बी अबोलिश्ड, तो ये सब चीज़ें अबोलिश होनी चाहिए, इरेडिकेट इनका उन्मूलन होना चाहिए, इरेडिकेशन इनका होना चाहिए, जड़ से इनको समाप्त कर देना चाहिए। बट दे फलरिश सेमलेसली इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक बड़े शेमफुल टर्म है कि ये फ्लरिश कर रही हैं, डेवलप हो रही हैं, बल्कि इनकी जो जड़ें हैं मजबूत हो रही हैं, दे आर रूटिंग इन द सोसाइटी। यहाँ तक कि यहाँ पे 44 ईयर्स लिखा गया है, जब चैप्टर लिखा गया होगा, आज कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट हुए, अगर हम 1950 से देखें तो आज 2020 हो चुकी है, ऑलमोस्ट 71 ईयर्स की हम बात करते हैं, 70-71 ईयर्स के आफ्टर भी ऐसा नहीं हो पाया है इम्प्लीमेंट। ए रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्स एस्टिमेट कमेटी हैज हाईलाइटेड द नियर कैटास्ट्रॉफिक डिप्लीशन ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 डेकेड्स। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है जो कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन को रिवील कर रही है, कैटास्ट्रॉफिक डिप्लीशन की, डिस्ट्रक्शन जो है वो कैटास्ट्रॉफिक है, विध्वंसकारी, डिस्ट्रक्टिव हो गया है, विनाशकारी हो गया है इंडिया की फॉरेस्ट का ओवर द लास्ट 4 डेकेड्स। जो पिछले 4 डेकेड्स रहे हैं, 40 ईयर्स रहे हैं, उसके दौरान इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा, वो जो रिलायबल डाटा है, विश्वसनीय जो डेटा है हमारे, डेटा बोलते हैं इसको हम लोकल में, हम इसको डाटा भी यूज़ कर लेते हैं, एक्चुअली इट इज डेटा, इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर ए ईयर, कि हम 3.7 मिलियन एकर ए ईयर में लॉस्ट कर रहे हैं। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड फॉर फॉरेस्ट लैंड आर वर्चुअली ट्रीलेस। जो बड़े बड़े एरिया हैं जो ऑफिशियली डेजिग्नेट हैं, दे हैव बीन लेफ्ट फॉर द यूज ऑफ फॉरेस्ट और टू प्लांट ट्रीज और अदर थिंग्स, तो दीज आर सेपरेटली लेफ्ट, अलग से छोड़े गए हैं कि यहाँ पे फॉरेस्ट को डेवलप किया जाए, आर वर्चुअली ट्रीलेस, लेकिन इन एक्चुअल कंडीशन दीज आर ट्रीलेस, देर इज नो प्लांटिंग एट ऑल, और इफ इट प्लांटिंग वॉज डन इट वॉज नॉट प्रिजर्व्ड। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 टाइम्स द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टेटिक्स। और यहाँ पे जो एक्चुअल लॉस है, जो वास्तव में जो लॉस हो रहा है फॉरेस्ट का, वो इस्टीमेट किया गया है, गैस लगाई गई है, अनुमान लगाया गया है कि वो 8 टाइम्स तक है, इस्टीमेट है, उससे 8 टाइम्स मोर है दैट इंडिकेटेड इन
गवर्नमेंट स्टेटिक्स, जो गवर्नमेंट स्टेटिक्स हैं, जो संख्यांकी है, जो डेटा है, उससे 8 टाइम्स ज़्यादा डिप्लेशन यहाँ पे हो रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल फिनिश दिस चैप्टर मोस्ट प्रोबली इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, स्टेइंग एट होम, बी सेफ। थैंक यू।